नगर के फूटा तालाब स्थित SBI कियोस्क बैंक के चोरों ने रात्रि में शटर के ताले तोड़कर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। बैंक संचालक सौरभ ने बताया कि शाम 7 बजे वो बैंक बंद करके घर चला गया था और कल का कैश भी बैंक में ही रखा छोड़ गया था। 10,000 रुपए जो कि फटे हुए थे उनको वो बैंक में शाम 4 बजे बदलने गया तो बैंक वालों ने ये कहकर उसे रोक दिया कि कल बदल लेना, तो उसने वो पैसे भी अपने कियोस्क बैंक में रख दिए थे, फिर बंद करके वो घर चला गया था। आज सुबह 6:30 बजे पत्रकार हरिचरण चौरसिया जब उनकी बैंक पर अखबार डालने आए तो उन्होंने फोन किया कि बैंक के ताले खुले छोड़ गए थे क्या, शटर के दोनों ताले खुले? मैंने कहा नहीं, जिस पर से मैं तुरंत आया और देखा कि सामान बिखरा पड़ा था और जो कि मेरा कैश रखा था वो भी नहीं मिला और चोर ताले भी साथ ले गए और टूटे ताले तक नहीं मिले। जब वो अंदर गया और ड्रॉ में रखे 30-35 हज़ार रुपये नकद और कुछ सामान नहीं मिला तो चोरों द्वारा लगभग सामान सहित 40,000 की चोरी होने बताई। पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और आवेदन देने की बात कही है। नगर में आए दिन हो रही चोरियां लेकिन पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। चोर जो आज तक पुलिस एक भी चोरी को ट्रेस नहीं कर सकी है। नगर में स्मैक और अन्य नशा ज्यादा होने के चलते चोरियां लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है जिससे नगर में चोरियां लगातार बढ़ती जा रही है। करेरा से संजय गुप्ता, बलैया की रिपोर्ट। सौरभ श्रीवास्तव, आपने जो कियोस्क बैंक कितने बजे बंद की थी और कैसे सूचना मिली कि चोरी हो गई? मैंने 7 बजे से बंद करके यहाँ से हिसाब वगैरह मिला के घर गया था और मुझे सवेरे चौरसिया जी ने फोन लगाया कि आपके बैंक के ताले टूट गए। मैंने आके देखा कितनी चोरी हो गई। मेरा 30-35 हज़ार रुपये चला गया और कुछ सामान वगैरह? हाँ, कुछ सामान भी है जैसा चला गया। पुलिस को सूचना दी? हाँ, अभी आए थे पुलिस वाले तो वो देख के चले गए। कोई पे शंका वंका हो? हाँ, एक दो लोगों पे है तो आवेदन में दे रहा हूँ।